बक्सर के बाल संरक्षण गृह से 14 महीने की बच्ची रिया को कैमूर लाया गया। आपको बता दें कि रिया को जन्म के बाद ही उसकी मां ने झाड़ियों में फेंक दिया था और रिया का पालन पोषण बाल संरक्षण गृह में हुआ, जिसके बाद भारतीय मूल के मॉरिशस में रहने वाले दंपत्ति ने गोद लिया है। अब से रिया का नया घर मॉरिशस में ही होगा। आपको बता दें कि राजकमल, जो कि मॉरिशस में पेशे से डॉक्टर हैं और उनकी पत्नी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, 2 साल पहले ही राजकमल ने प्रधानमंत्री के कार्यालय में बच्ची को गोद लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद रिया को राजकमल और उनकी पत्नी को सौंप दिया गया है। गांव में पल रही बच्ची रिया है, जिसको कि बाल कल्याण समिति बक्सर से 1 साल पहले यहाँ पे लाया गया था और उसे मॉरिशस के दंपत्ति लिए हैं गोद। राजकमल शुक्रवारिया जी हैं और हर्षना है उनकी मिसेज। और इसके लिए जो भी शाह का जो रूल है, कानूनी प्रक्रिया, उसको हम लोग पूरा कर लिए हैं और उसके बाद ही गोद लिए हैं। तो अब ये मॉरिशस में बच्ची पलेगी जी। अब कानूनी रूप से ये जो दंपत्ति हैं, इनकी अपनी बेटी हो गई, इनको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक अपने जैविक पुत्र या पुत्री को मिलता है। इसके लिए एक्चुअली में ऑनलाइन आवेदन होता है, सरकार का ऐसा रूल है कि ऑनलाइन आवेदन कहीं के भी नागरिक करते हैं और उनको बच्चा सेलेक्ट होने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद दिया जाता है। बच्ची को गोद लेने का डिसीजन मैं और मेरी मिसिज ने 3 साल पहले लिया था। इतना भी आसान नहीं है कि आप यहाँ पे आओ, बच्ची को लो, बहुत प्रोसीजर्स, क्योंकि आजकल इतने प्रॉब्लम्स है चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो हमने एप्लीकेशन अपने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस मॉरिशस में किया था और सारे चेक और ये सब वेरिफिकेशन के बाद 3 साल बाद हमें ये रिया कुमारी बच्ची दी गई और बहुत मुश्किलों के बाद हम यहाँ पे आए उसे लेने के लिए। तो पहले से आपके आपको बता दें कि राजकमल और उनकी पत्नी रिया को पाकर बेहद ही खुश हैं और उसे अपने साथ जल्द ही मॉरिशस ले जाने की तैयारी कर रही हैं। पंजाब केसरी के लिए कैमूर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट।